हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन की ओवर हीटिंग प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं और ओवर हीटिंग प्रॉब्लम को आप ठीक कैसे कर पाएंगे ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन में, और ओवर हीटिंग प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं और कैसे ठीक कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन में, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं। तो सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाकर सबसे पहले तो आपको जाना है ब्राइटनेस पे। यहाँ से डिस्प्ले पे जाकर ब्राइटनेस बिल्कुल डाउन कर देने, बिल्कुल ऑफ कर देने हैं, जिससे आपकी ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी और साथ में जो आपका फ़ोन है कम से कम हीट करेगा। और साथ में बैटरी पे जाकर आप देख सकते हैं कि आप सेवर मोड को कुछ इस तरीके से ऑन करते हैं, तो सेवर मोड का भी यूज़ कर सकते हैं और सेवर मोड का यूज़ करके भी हीटिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को ठीक भी कर पाएंगे अपने फ़ोन में। और साथ में बैक करते ही आपको फ़ोन मास्टर्स पे जाना है, जिस पे जाकर फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ कर लेना है आपको यहाँ से। तो ऑप्टिमाइज़ कर लेना, जिससे आपका फ़ोन है ऑटोमेटिकली इस ऑप्टिमाइज स्कैनिंग हो जाएगा, जिससे अपने फ़ोन की हीटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन हीटिंग की प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकते हैं अपने इस ऑप्शन के जरिए। तो इस तरीके से ओवर हीटिंग प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे ओवर अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो